प्यार में कोई भी समस्या आ रही है, आपका पार्टनर आपसे रूठ गया है, पार्टनर के घर वाले आपसे रूठ गए हैं, आपका पति आपसे रूठ गया है, पत्नी रूठ गई है, मतलब प्यार से रिलेटेड, दो पार्टनर से रिलेटेड किसी भी समस्या का समाधान अगर आप चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। प्यार के रिश्तों को सुधारने के लिए आज मैं आप लोगों के साथ में एक टोटका शेयर करने वाली हूँ। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका पार्टनर है जो गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, या फिर आप लोग के पार्टनर के बीच में कोई अनबन हो गई है, एक दूसरे से दूर हो गए हैं, कुछ गलतफहमियां हो गई है, थर्ड पार्टी इंक्लूड हो गई है, पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, इस तरह की कोई भी समस्या अगर पैदा हो गई है, या फिर आपकी शादी हो चुकी है, शादी में कुछ ना कुछ अनबन चल रही है, पति पत्नी की आपस में नहीं बन रही है, रिश्ता बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है, बहुत सारी नेगेटिविटी आ चुकी है, तो ऐसे में क्या करेंगे, तो ऐसे में इस वीडियो को पूरा देखेंगे और इस वीडियो में मैं आपके साथ में जो उपाय शेयर कर रही हूँ उसे आप जरूर करेंगे। आप खुद देखेंगे 21 दिनों में आपकी जो भी समस्या है उसका निवारण हो जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा और बहुत ही जल्दी आपके प्यार में बहुत अच्छी मिठास घुल जाएगी। तो कैसे करना है, क्या करना है और कब करना है, चलिए आपके साथ में शेयर करती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आराधना गौतम, वी नेचुरल चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मेरे चैनल पर आपको इसी तरह से मनोकामना के और कई सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिलते हैं, मनोकामना पूरी करने के टोटके मिलते हैं, उपाय मिलते हैं, कई सारी स्पिरिचुअल जानकारी मिलती है और साथ ही डेली लाइफ की कई सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलता है, घर की हुई, परिवार की हुई, प्रोफेशन की हुई, एजुकेशन की हुई, हर समस्या का समाधान सिर्फ वी नेचुरल पर मिलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकॉन को भी हिट कर लीजिए। तो दोस्तों, आज का ये जो उपाय है ये आपको कब करना है, शुक्रवार के दिन इस उपाय को आपको करना है। शुक्रवार के दिन आप लेंगे एक गुलाब, ठीक है, गुलाब का फूल आपको लेना है। और अब इस गुलाब के फूल का क्या करना है, आपको ले लेना है एक जल का लोटा, शुद्ध जल का लोटा ले लीजिए, तांबे का लोटा ले सकते हैं, स्टील का लोटा ले सकते हैं, कैसा भी लोटा ले सकते हैं, शुद्ध जल इसमें डाल लीजिए। अब इसमें आपको डाल लेना है गुलाब, ठीक है, गुलाब जो हमने लिया है, आप फ्रेश गुलाब मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, आप एक दिन पहले ला के रख सकते हैं। इस उपाय को शुक्रवार को सुबह सुबह करेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और नहीं भी कर सकते हैं तो आप 8 बजे से पहले कर लें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र धारण करें, ठीक है, सफ़ेद शर्ट पहन सकते हैं, अगर आप जेंट्स हैं तो सफ़ेद शर्ट पहन सकते हैं, अगर आप लेडीज़ हैं तो सफ़ेद कुर्ता पहन सकते हैं, कुर्ती पहन सकते हैं, टॉप पहन सकते हैं, साड़ी पहन सकते हैं, सफ़ेद कलर का कुछ भी पहन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सफ़ेद कलर हम पहन नहीं सकते, सफ़ेद कलर हर कोई पहन सकता है। तो सफ़ेद कलर धारण करें और साथ में आपको ये उपाय करना है, ब्रह्म मुहूर्त में नहा धो के स्नान से फ्री होके एक लोटे में आप जल ले लीजिए, शुद्ध जल, कोई भी लोटा ले सकते हैं, ठीक है, शुद्ध जल ले लीजिए, इसमें आप गुलाब डाल लीजिए। गुलाब जो हमने लिया है पूरा पंखुड़ियों वाला गुलाब होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि उसकी पंखुड़ियाँ खिर रही है, अच्छा ताज़ा वाला गुलाब होना चाहिए, उसको आप लोटे में डाल लीजिए। अब इस जल को आपको अपनी एनर्जी देना है, आपको जो भी समस्याएं हैं वो इसे कहना है कि आपके प्यार में जो दिक्कत आ रही है, जो परेशानी आ रही है, वो आप बोलेंगे उस जल से। कैसे बोलेंगे, मेरी ये समस्या है, मेरा पार्टनर मुझसे दूर जा चुका है, आपको उस जल को देखते हुए बोलना है, मेरा पार्टनर मुझसे दूर जा चुका है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ, हे गायत्री माँ, हे सरस्वती माँ, जितनी भी माताएं हैं, हे लक्ष्मी माँ, हे संतोषी माँ, आपसे मेरा निवेदन है कि मेरे पार्टनर को मेरे पास में लाने में आप मेरी मदद कीजिए, यह जो गुलाब है ये मैं आप ही को अर्पित कर रही हूँ, मेरा प्यार को पाने के लिए आप ही अब मेरी मदद करेंगे। ऐसा करने के बाद में आपको ये जो हमने जल लिया है इसे आपके घर के आसपास कहीं पे भी, अगर केले का पौधा मिल जाता है, कनेर का पौधा अगर मिल जाता है, केले का कह सकते हैं, कदली जिसका कहा जाता है, यहाँ पर मैं फोटो दिखा रही हूँ, ये जो पौधा होता है ये अगर आपके घर के आसपास मिल जाता है तो इसमें आपको ये जल अर्पित कर देना है। गुलाब के सहित ये जो पौधा होता है, केले का या फिर कदली का, ये विष्णु जी का अवतार माना जाता है, विष्णु और लक्ष्मी का, इनको अगर हम गुलाब और जल अर्पित करते हैं तो हमारी प्यार से रिलेटेड जो भी समस्या होती है उसे दूर करने में ये हमारी बेशक मदद करते हैं। तो ऐसा आप उपाय कीजिए, उपाय करने के बाद में वहाँ पर हाथ जोड़कर आप घर चले आएँ, घर आकर आपको एक चम्मच आटा, एक चम्मच शक्कर और उसमें थोड़ा सा घी डालना है, उसे अच्छे से मिक्स करना है और इसे आपके घर के आसपास, घर के बाहर, ठीक है, जहाँ पर खुला एरिया हो वहाँ पर आपको बिखेर देना है, या फिर हो सके तो घर के घर में ही कहीं पर कोई पौधा है, पौधे की जड़ों के यहाँ पर आप इसे डाल दीजिए। एक्चुअली हमें इसे क्या करना है, चींटियों को खिलाना है, बाहर डालने से या पौधे के यहाँ डालने से इंटेंशन होता है कि वहाँ पर चींटियाँ बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर आप डाल दीजिए। ये मीठा आटा जब हम गाय चींटियों को खिलाएंगे तो ये हमारे प्यार में मिठास लाने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। बहुत ही आसान सा उपाय है, बस इतना सा काम आपको करना है शुक्रवार के दिन, लगातार 5 शुक्रवार को इस उपाय को आपको करना है और फिर आप चमत्कार देखिए। 5 शुक्रवार के अंदर ही आपका पार्टनर आपके पास चला आएगा, जो भी रिश्ते में परेशानी आ रही है वो दूर हो जाएगी, रिश्ता फिर से मधुर हो जाएगा,
प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप कीजिए इस उपाय को और जब रिजल्ट मिले मेरे साथ में शेयर जरूर कीजिए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके प्यार को आपको वापस से एक नई खुशहाली देने में मदद करेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलूंगी आपसे नई किसी जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।